प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था में शूद्र क्या है, उनके प्रति जो विचार हैं अछूत के वो क्या है और किस प्रकार उसको दूर किया जा सकता है। नारायण समझने की आवश्यकता है, उन्माद फैलाने की आवश्यकता नहीं। भारत के क्षत्रिय सात द्वीपों पर एक छत्र सम्राट हुए, वाल्मीकि रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत इत्यादि का अध्ययन कीजिए। भगवान राम के समय में वर्ण व्यवस्था थी या नहीं, हरिश्चंद्र रघु दिलीप आदि के समय वर्ण व्यवस्था थी या नहीं, जिनकी संतान का नाम मानव है मनु, मनु के शासन काल में वर्ण व्यवस्था थी या नहीं, मानव निर्मित विश्व की प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या है, इक्ष्वाकु प्रथम मानव निर्मित विश्व की प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या है, इक्ष्वाक इत्यादि राजाओं के शासनकाल में वर्ण व्यवस्था थी या नहीं। भारत के विभाजन के बाद जो जिनको आजकल दलित कहा जाता है, गांधी जी ने जिनको हरिजन कहा, सनातनियों ने जिनको छोटा भाई, अंत्यज माने छोटा भाई, अग्रज माने बड़ा भाई, वे जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते थे, उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था, अगर वे चाहते तो वहाँ उस बिरादरी में शामिल होकर के जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन भारत में जिस वर्ण में उनका जन्म हुआ था उसी वर्ण के मनुष्य नागरिक होकर रहने के लिए आए या नहीं। सबसे पुराना इतिहास ही लें, बहुत प्राचीन इतिहास, काशी नगरी में हरिश्चंद्र को खरीदने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र थे कोई? आज भी इतिहास है, ये गल्प नहीं है, उनके वंशधर आज भी काशी में हैं, हरिश्चंद्र घाट मणिकर्णिका घाट दो श्मशान हैं काशी में। परंपरा से टैक्स लेने का अधिकार, कर लेने का अधिकार जिनके पूर्वजों ने हरिश्चंद्र को खरीदा था उन्हीं को है। अब एक हम संकेत करते हैं, अगर आर्थिक दृष्टि से इनको विपन्न बनाया गया होता तो अर्थ का स्रोत कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सेवा है, वो इन्हीं के हाथ में कैसे होता? थोड़ा विचार कीजिए, मेज बनाने का काम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का था क्या? बाल बनाने का काम सेफ्टी रेजर रखते थे क्या? बाल बनाने का काम किनका था? चप्पल जूते बनाने के लिए शर्मा शू फैक्ट्री थी क्या? चप्पल जूते बनाने वाले को कितनी आमदनी, वो किसके लिए रिजर्व? अर्थ का सारा स्रोत वैश्य और शूद्रों के लिए रिजर्व था, कृषि गौरक्ष वाणिज्य ये वैश्यों के था, कुटीर उद्योग सारा, लघु उद्योग सारा, सेवा के सारे प्रकल्प उनके लिए था, जिनको हम कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से विपन्न बनाया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में वह क्षमता नहीं थी कि काशी में हरिश्चंद्र को खरीद सकें। किसने खरीदा? पुरानी भाषा में जिनको कुछ और कहते थे डोम, अंत्यज विशेष ने खरीदा, समझ गए? और नर्स का काम किनके घर की महिला करती थी? मातृशक्ति। साथ ही साथ मुस्लिम तंत्र के यहाँ शव पर या मुर्दे पर जो आभूषण और रेशमी के वस्त्र होते हैं वो लेने वाले उनके धर्मगुरु होते हैं, हमारे यहाँ वो होते हैं जिनके बारे में आपने संकेत किया। रह गई बात रोटी बेटी की, एक मर्यादा है, ऊपर की रोटी में सबका अधिकार,
ऊपर की बेटी लेने का प्रयास न करे, यही मर्यादा थी। अब आपने उसको बदल दी, नीचे की रोटी में सबका अधिकार, ऊपर की बेटी में सबका अधिकार, यही किया ना, यही कर तो दिया और क्या किया, इधर का उधर कर दिया। तो हमने एक संकेत किया कि थोड़ा सुनिए, विदुर जी की जाति क्या थी, विदुर जी का सम्मान कितना था महाभारत पढ़ के पर देखिए, संजय की जाति क्या थी, सूत जाति के थे या नहीं, संजय को कितना सम्मान था आप देखिए, धर्मम व्याज की जाति क्या थी, धर्मम व्याज को कितना सम्मान था महाभारत उठा करके देखिए, इसका अर्थ क्या है सज्जनों। इसलिए ये जो भ्रम फैलाया गया है, भ्रम फैलाया गया है, कूटनीति का प्रयोग किया गया है कि आर्थिक दृष्टि से उन्हें विपन्न बना के रखा गया, सबसे विपन्नता वरदान स्वरूप मान करके आर्थिक दृष्टि से तो ब्राह्मणों ने अपनाया, शिलोंश वृत्ति, भिक्षा वृत्ति, अयाचित वृत्ति, और दान लेते हैं तो दान दो, दान लेना ही नहीं, दान देना भी धर्म था ब्राह्मण का। आर्थिक दृष्टि से अगर विपन्नता की बात करते हैं तो सबसे अधिक ब्राह्मणों के पास ही अर्थ की कमी होती थी, आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक अर्थ का स्रोत उन्हीं को दिया गया। दरी बनाने का काम किसका था जी, टोकरी बनाने का काम किसका था जी, आजकल इंजीनियर कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते थे क्या, इंजीनियर कौन होते थे, इसका अर्थ क्या है, अर्थ का सारा स्रोत उनके पास था। मान कम था ये भी नहीं कह सकते, केवल बेटी को लेकर अगर, बेटी को लेकर अगर परहेज है, वो परहेज दूषण नहीं भूषण है, वर्ण संकरता के इतने दोष हैं जिनको आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं, जिनको विज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, रक्त के नंबर का भी ज्ञान नहीं है, रक्त संकरी के दोष का भी ज्ञान नहीं है, वे लोग अनर्गत प्राप्त करते हैं। इसलिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाने वालों को यह समझना चाहिए कि आप राष्ट्रभक्त हो क्या, जिस विषय को जानते नहीं उस विषय में टांग अड़ाते हैं ये नेता लोग, और इनके पीछे अंग्रेजों का दिया हुआ मस्तिष्क है। मैं दो उदाहरण देता हूं, बल्कि चार उदाहरण देता हूं, सावधान। पहला उदाहरण है, जिनके यहां परंपरा से कोई ब्राह्मण नहीं है, वर्ण संकरता के चपेट में सैकड़ों वर्ष पहले जो आ गए, उनके यहां रिलीजन पंथ या मजहब के सार्वभौम गुरु वैकल्पिक ब्राह्मण पोप होते या नहीं, उन्होंने अपनी व्यास गद्दी सुरक्षित रखी है वैकल्पिक रीति से। जिनके यहां परंपरा के प्राप्त क्षत्रिय नहीं है, उनके यहां एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही है या नहीं, उनके यहां राजवंश है या नहीं, मुसलमानों में शेख सैयद मुगल पठान चार प्रकार के होते हैं या नहीं, उनमें भी विभेद होता है या नहीं, सिया सुनी की बात छोड़ दीजिए, शेख सैयद मुगल पठान उनमें भी चार होता है या नहीं, क्या इंग्लैंड में कोई भी राजवंश कह सकता अपने को राजवंश का व्यक्ति शासन करता या नहीं, वैकल्पिक, वो वैकल्पिक को वरदान समझ रहे हैं, हमारे यहां नैसर्गिक को हम अभिशाप समझ रहे हैं, उन्हीं की कूटनीति के हम मारे हुए हैं। अगर इस 21वीं शताब्दी में राजतंत्र की उपयोगिता इंग्लैंड में है तो भारत में क्यों नहीं, जिन अंग्रेजों ने 70 वर्ष पहले हमारे यहां राजतंत्र उच्छिन्न कर दिया, उन्होंने अब तक राजतंत्र को क्यों पाल के रखा, इसका कोई उत्तर है क्या। मेरे पास तो समझो विदेशी लोग भी आते हैं धन लेकर, नहीं सबको होता है कि अरबों रुपये इनके पास होंगे, क्योंकि हम हाथ फैलाते नहीं, भगवान जगन्नाथ कृपा करते हैं, लेकिन वो लोग हमारी बात को सबसे पहले मानते, समझ गए ना, इसीलिए तिरस्कार। अच्छा मैं उदाहरण देता हूँ, दो उदाहरण तो दे दिया ना, तीसरा उदाहरण टेरिसा की ले लीजिए, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, जंतर मंतर दिल्ली में अनशन करने के लिए टेरिसा जी ने किनको भेजा, जिनको भेजा उनका नाम क्या था मालूम है, दलित क्रिश्चियन। मैंने टिप्पणी कर दी, सबके होश ठिकाने हो गए, हिंदुओं को बरगला करके कि तुमको हम सम्मान देंगे सुविधा देंगे,
क्रिश्चियन बनाया गया, फिर उनको अनशन करने के लिए तुमने भेजा दलित एडजेक्टिव विशेषण देकर और आरक्षण की भावना से अनशन किया। अगर गरीबी दूर हो गई होती, सुविधा मिल गई होती तो सुविधा के लिए हाथ क्यों फैलाते, सम्मान मिल गया होता तो दलित विशेषण क्यों लगता, इसका मतलब ठगे गए या नहीं। संगमा जैसे पार्लियामेंट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इंदिरा गांधी का साथ छोड़ा या नहीं, वो क्या क्रिश्चियन थे या नहीं, क्रिश्चियन अपने को मानते थे या नहीं। संगमा जैसे प्रबुद्ध क्रिश्चियन को, हिंदू से बने हुए क्रिश्चियन को ये लोग स्वीकार करेंगे क्या, सोनिया जी स्वीकार करेंगे क्या, समझ गए, आंखें खुल गई या नहीं। इसलिए हमने कहा संगमा जैसे नहीं, बिल्कुल अंधे जैसे भावुक संगमा जैसे क्रिश्चियन को लोग स्वीकार करें उनसे तुमको खतरा है, और जॉर्ज फर्नांडिस से खतरा, उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया या नहीं जॉर्ज फर्नांडिस ने। अच्छा और ले लीजिए लेटेस्ट उदाहरण, नवीनतम उदाहरण ले लीजिए, मुस्लिम घर की चार पांच देवियों ने, मातृशक्ति ने, उनकी दृष्टि से उनकी यहां जो 1400 वर्षों से अंधा अंध परंपरा चल रही थी, गुप्तचर विभाग मेरे शब्दों पर ध्यान देना, उनकी दृष्टि से उनके यहाँ जो 1400 वर्षों से अंध परंपरा चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक फांस नहीं सकते हो, उस ढंग से हम लोगों को लिखने बोलने का प्रशिक्षण प्राप्त है, उसके विरोध में आवाज बुलंद की या नहीं। एक उत्तराखंड की थी, एक उड़ीसा की थी, एक उत्तर प्रदेश की थी, राजस्थान की थी, उन सब मातृशक्ति में कह रहा हूं, उनके मन में क्या था, जो 10-5% गांव में, वन में, छोटे कस्बे में विवाह की प्रथा परंपरा से है, देवियों को मातृशक्ति के रूप में पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है, गरीब से गरीब व्यक्ति फटा कपड़ा पहनता है, अपनी पत्नी को कम से कम जेवर से युक्त रखता है, फटा कपड़ा पहनेगा, पत्नी को जहां तक बनता है फटा कपड़ा नहीं देगा। हमारे यहाँ मातृशक्ति का सम्मान देखिए, बैल भले ही दुबला पतला हो उसके कंधे पर जुआ डाले जाएगा, गाय हृष्ट पुष्ट हो उसके कंधे पर जुआ डाला जाएगा। मातृशक्ति के प्रति मनुष्यों में नहीं, गाय में भी जो मातृशक्ति है उसके प्रति कितना सम्मान है। गो माता, माता कहते हैं नहीं, भारत माता, गो माता, इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ मातृशक्ति का इतना महत्व है, उसी से प्रेरित होकर उन देवियों ने क्रांति की और सुप्रीम कोर्ट तक से विजयश्री उनको प्राप्त भी हो गया या नहीं। अगर हम अपनी सारी परंपरा को शास्त्र सम्मत विधा से क्रियान्वित करें या क्रियान्वित किए होते, कोई भी तंत्र ऐसा नहीं जो हमसे प्रभावित हुए बिना रहता नहीं रहता। थोड़ा विचार कीजिए, ये बर्मा के लामाओं ने 5-6 महीने पहले क्या कहा, ये नरभक्षी हमको जीवित खा जाते हैं, चबा जाते हैं, माना कि हम बौद्ध हैं, अहिंसा हमारा धर्म है, लेकिन उस अहिंसा को लेकर हम क्या करेंगे जो हमारे अस्तित्व आदर्श को न रहने दे। वैकल्पिक छात्र धर्म को लामाओं ने अपनाया, तब वो बर्मा से इधर उधर भागने लग गए या नहीं, और वो सुरक्षित है। इसका मतलब हमको साक्षात प्राप्त है वर्ण व्यवस्था, जिनको नहीं प्राप्त है वो वैकल्पिक, थोड़ी और बात ले लो, आपको परंपरा से ही चिर है ना, तो वैकल्पिक ब्राह्मण तो आपको बनाना पड़ेगा, कोई भी विभाग ले लो, मैंने जहां जोधपुर में भी कहा था, वैकल्पिक क्षत्रिय आपको बनाना पड़ेगा, चाहे पुलिस हो या मिलिट्री हो, वैकल्पिक वैश्य आपको बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक चौथे कालम पांचम कालम के व्यक्ति आपको बनाने पड़ेंगे, वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बनाने में समय अधिक खर्च होगा, संपत्ति अधिक खर्च होगी, संस्कार का आदान फिर भी नहीं हो सकेगा। उदाहरण मैंने भुजदंड का दिया, और बुद्धिपूर्वक कोई भी पहले दूसरे तीसरे कॉलम के नीचे नहीं आना चाहेगा, हर व्यक्ति चाहेगा पहले कॉलम में आ जाऊं, जब बनना ही है, क्या बनना ही है तो फिर क्षत्रिय वैश्य क्यों बने, ब्राह्मण ही बने वैकल्पिक, तो बाकी सारे विभाग खाली हो जाएंगे या नहीं, खाली हो जाएंगे तो अपने आप आर्थिक विपन्नता विषमता विद्वेष उत्पन्न होगा या नहीं। तो दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक किसी भी धरातल पर
सनातन परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत वर्णाश्रम व्यवस्था को कोई उंगली उठा नहीं सकता, उठाता है अज्ञान के कारण, द्वेष के कारण, भावुकता के कारण। दूसरी बात, हमारा विकल्प ढूंढ दो। ब्राह्मणों का विकल्प बनाया गया स्वतंत्र भारत में या शिक्षा की इत्यादि, इन्हीं से शिक्षा विभाग को खतरा है यदि। क्षत्रियों का विकल्प पुलिस और मिलिट्री, इन्हीं से रक्षा विभाग को खतरा है यदि। नक्सलवाद को किसने जन्म दिया है? राजनेताओं ने दिया है या नहीं? आतंकवाद को किसने जन्म दिया है? राजनेताओं ने दिया है या नहीं? एक पत्रकार ने, चैनल वाले ने मुझसे छत्तीसगढ़ में पूछ दिया, नक्सलवाद का समाधान बताइए। मैंने कहा दो दल यहाँ पर हैं, पक्ष विपक्ष, भाजपा और कांग्रेस। दोनों दल का गुप्त या प्रकट नक्सलवाद को पालने में, जन्म देने में जितना हाथ है हटा लें, फिर जितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद रह जाए मेरे जिम्मे छोड़ दो, मैं उसका समाधान कर दूंगा। हंस पड़े कि 1% भी नहीं रहेगा। तो ये खानदानी जो क्षत्रिय होते थे, अगर कोई उन्मादी हो जाता था, कंस जैसा, दुर्योधन जैसा, तो उसको दंड देने का प्राविधान हमारे पास था। लेकिन आप थोड़ा विचार कीजिए, खानदानी क्षत्रिय नहीं, वैकल्पिक क्षत्रिय, मिलिट्री और पुलिस से ही सीमा को खतरा है या नहीं? सुरक्षा को खतरा है या नहीं? वैश्यों का विकल्प उद्योगपति, इन्हीं से अर्थ को खतरा है या नहीं? पूरे विश्व के अर्थ को उन्होंने 13-12 उद्योगपतियों ने अपनी मुट्ठी में ले रखा है। अच्छा, क्रिश्चियन आदि की मिशन, ये वैकल्पिक शुद्ध का काम, सेवा का काम करती हैं, इन्हीं से सेवा को खतरा है या नहीं? अच्छा, हमारा विकल्प, हमारा माने परंपरा प्राप्त शंकराचार्य, हमारा विकल्प कौन निकालोगे? दलाई लामा जी निकालोगे, मुल्ला जी निकालोगे, या पोप जी निकालोगे? हमारा विकल्प कोई हो नहीं सकता। लाचारी में विकल्प अपनाते हैं। सचमुच में ब्राह्मणों का विकल्प बना के दिखा दो, नहीं हो सकता। क्षत्रियों का विकल्प बना के दिखा दो, वैश्यों का विकल्प बना के दिखा दो। अरे, गुलाब के फूल का जो विकल्प बनाओगे, प्लास्टिक का गुलाब होगा, कीमत भले उसकी ज्यादा हो जाए। गुलाब का विकल्प बना के दिखा दो, गेंदे का विकल्प बनाओगे वो प्लास्टिक का गेंदा, इसका मतलब कि हमारा विकल्प हो ही नहीं सकता। विकल्प वहां होता है कारगर, जैसे मैंने बताया खानदानी क्षत्रिय राम और लक्ष्मण जी, भरत जी से सेना नहीं मंगाई, वैकल्पिक सेना जो उन्हीं के लिए जन्म ले चुकी थी उनका उपयोग करके युद्ध जीता। वैकल्पिक सेना ने विजया श्री राम जी के चरणों में डाल दी। इस प्रकार से हमने कहा, बस बहुत समय हो गया। राज